आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हाइड्रोजन के लिए हमने रिएक्टिविटी की बात की थी, अब हम बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंट हैलोजन्स लेते हैं तो उस केस में क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हैलोजन के केसेस में। तो रेट ऑफ हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन की बात करें तो सबसे जो रेट फास्टर होते हैं वो फ्लोरीन के लिए होते हैं। फ्लोरीन के लिए तो ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है, तो ये हम पढ़ते नहीं हैं इसके लिए। फिर उसके बाद क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, और तब जाके हम बात करते हैं आयोडिनेशन की, आई टू। फ्लोरीनेशन के केस की अगर बात करें एफ टू की, तो ये कहते हैं कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट एंड समटाइम्स एक्सप्लोजिव इन नेचर। समटाइम ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। अगर हम आयोडीन की बात करें या आयोडिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि ये बहुत स्लो होते हैं, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल इन नेचर, एंड रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल भी होते हैं नेचर में। एंड रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी हमें आयोडिनेशन कराना होता है तो हम यूज करते हैं मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज डाइल्यूट HNO3 या फिर आयोडिक एसिड HIO3, इनमें से किसी एक को यूज करते हैं। इनके बारे में भी जब बात करें तो कर ही लेते हैं। ब्रोमिनेशन, जब हम Br2 यूज करते हैं हैलोजन को, तो कहते हैं कि ब्रोमिनेशन जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस होते हैं। ब्रोमिनेशन जो होता है ये थोड़े स्लो होते हैं एंड हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। ठीक, बात करते हैं आयोडिनेशन हो ही गए, तो बात कर लेते हैं क्लोरीनेशन की। अगर हम Cl2 यूज करते हैं तो Cl2 जो प्रोसेस होते हैं ये फास्ट होते हैं, ठीक, लेस सिलेक्टिव होते हैं, ये सिलेक्टिव लेस होते हैं, बट आर हाईली प्रोबेबल, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं हमारे लिए प्रोबेबल हो जाते हैं। ठीक, तो ये इनके लिए इंफॉर्मेशन है हैलोजिनेशन की। फ्लोरिनेशन बहुत तेज होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, क्लोरिनेशन जो होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ये प्रोबेबल होते हैं और ये कम सिलेक्टिव होते हैं। ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होते हैं। आयोडिनेशन स्लो होते हैं, स्लो होने के पीछे रीजन हम बात करेंगे जब इस रिएक्शन को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोरिनेशन से कि फ्लोरिनेशन कैसे होते हैं। तो अगर हम फ्लोरिनेशन कराना चाहते हैं तो जैसे हम CH4 के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर CH4 की रिएक्शन हम F2 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अगर हम इसे टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शंस कराते हैं तो समटाइम टेस्ट ट्यूब जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। और टेस्ट ट्यूब के ब्रेक करने का सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन हमारी एक्सप्लोजिव हो गई। यहाँ बनते क्या है, कार्बन अलग हो जाते हैं और साथ में हमें HF मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो हम फ्लोरिनेशन पढ़ नहीं पाते। तो फिर हम करते क्या है कि इसी फ्लोरिनेशन को एक बार डार्क में कराने की कोशिश करते हैं। तो जब डार्क में कराते हैं तो भी जो फ्लोरिनेशन के रेट होते हैं वो बहुत तेज होते हैं और हमें मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में CH3F और साथ में HF मिलते हैं। ठीक, इसीलिए अगर हमें फ्लोरिनेशन कराना होता है तो हम इनमें इनहिबिटर यूज करते हैं। इनमें क्या यूज करते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हम इनहिबिटर के रूप में ले लेते हैं, नाइट्रोजन इनहिबिटर के रूप में ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं। तो फ्लोरिनेशन के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक, अगली बात करते हैं हम आयोडिनेशन की।
बाद में बात करेंगे हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की। आयोडीनेशन, अगर हम आयोडीनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम CH4 की रिएक्शन करा रहे हैं I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, तो ये बन के आते हैं CH3I और साथ में बन के आते हैं HI। अभी जो HI बन के आए हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI जो है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये रिएक्शन अगर हमें करानी है तो इस HI को हमें एनी हाउ कंज्यूम करना होगा। तो कंज्यूम करने के लिए हम कहते हैं कि आयोडीनेशन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अगर हमने डाइल्यूट HNO3 यूज किए हैं, और हमने डाइल्यूट HNO3 यूज किए हैं, तो ये HI को कन्वर्ट कर देते हैं I2 में। HI क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं I2 में हमारे लिए। तो जैसे एक और एग्जाम्पल वगैरह हम पढ़ना चाहें इसके, जैसे ये हमारे लिए CH3, CH, CH3, CH3, इसकी रिएक्शन हम I2 के साथ करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर सनलाइट H न्यू लिख लेते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं, देखिए अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन हमारे लिए टर्सरी हाइड्रोजन है। ये वाले जो हाइड्रोजन है वो हमारे लिए कौन से, ये हाइड्रोजन तीनों हमारे लिए प्राइमरी है, ये वाले हाइड्रोजन हमारे लिए टर्सरी है। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, और प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये ऐसे हो जाएंगे CH2I। ठीक, फिर बात करते हैं टर्सरी को हटा देते हैं, तो टर्सरी को जब हम हटाएंगे फ्री रेडिकल बना के, उसके लिए प्रोडक्ट हमें ये मिलेंगे। अगर हम आयोडीनेशन करा रहे हैं तो जरूरी है कि हम यहाँ पे एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, तो हम MOA लिख रहे हैं, मतलब हमने मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं इसमें। अब इनमें कौन मेजर है, तो हमने बताया था कि जितने स्टेबल फ्री रेडिकल बनेंगे उससे क्या होगा, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने हैं तो मेजर प्रोडक्ट उन्हीं से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मेजर प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक, तो ये हैलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, वो है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लोरीनेशन से। एंड ब्रोमिनेशन, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले क्लोरीनेशन की बात करते हैं। तो CH4 की रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराई, इस बार हम दे रहे हैं कि क्लोरीन जो है हमारे लिए वो एक्सेस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटेंगे, फ्री रेडिकल के रूप में बनेंगे मेथिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड जो है, फर्दर इनके पास हाइड्रोजन है तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो जब रिएक्शन करेंगे तो ये फर्दर बनाएंगे CH2Cl2, मतलब ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सभी हाइड्रोजन न खत्म हो जाए। तो यहाँ बनेंगे CsCl3, फिर फर्दर इनकी हैलोजिनेशन होगी तो क्या बनेंगे CCl4। इसका एक सीधा सा मतलब है कि हैलोजिनेशन से हम पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स बना सकते हैं, डाई एल्किल बना सकते हो, डाई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये टेट्रा हैलाइड्स हैं। अगर Cl2 हमने एक्सेस में लिए हैं तो फिर ये वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए मेजर होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी रिएक्शन को अगर हम ऐसे पढ़ें कि हमने CH4 लिए हैं, इस बार मीथेन एक्सेस में है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हैलोजन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मेथिल क्लोराइड मिलेंगे मेजर प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि मीथेन एक्सेस में है तो क्लोरीन की क्या होगी, अमाउंट कम होंगे, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन, जैसे ये CH3, CH2, CH3, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3, CH2, CH3 के साथ करा रहे हैं Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो यहाँ भी हैलोजिनेशन होंगे। तो अब मैकेनिज्म वगैरह पे हम नहीं जाते, हम ध्यान से देखते हैं कि हम कितने तरह के प्रोडक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड सीखते हैं, वही हमारे काम भी आएंगे। तो इसमें दो तरह के हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये दोनों टर्मिनल वाले, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे लिए प्राइमरी हाइड्रोजन है, जबकि जो बीच वाला हाइड्रोजन है वो हमारे लिए सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ये सेकेंडरी कार्बन से लगे हाइड्रोजन तो ये सेकेंडरी है। तो हम दो तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी वाले से। तो हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह हमने Cl लगाया, फिर ये CH3 हो गया प्लस। दूसरे केस में क्या करते हैं हम, प्राइमरी वाले से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगा देते हैं, तो ये प्रोडक्ट दो हमें मिलेंगे। अब हमें बात करनी है इनमें से मेजर कौन है माइनर कौन है। तो इन केसेस में यहाँ तक तो सही है, हम कह सकते हैं कि जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बन के आए होंगे वो हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट होंगे, और जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से बन के आए होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, माइनर। तो यहां ये कहना सही है कि ये मेजर है, ये हमारे लिए माइनर, इनमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है इस वाले एग्जांपल में CH3 और ये CH3। अगर इसकी हम हेलोजिनेशन कराएं Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इनमें भी दो तरह के हाइड्रोजन हैं। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे तीनों जो हैं ये प्राइमरी हैं, और ये वाले हाइड्रोजन हमारे लिए क्या है, टर्शियरी। तो जब हम इनमें प्रोडक्ट लिखने जाएंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट तो बनेंगे। एक तो क्या करेंगे, प्राइमरी से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा देंगे CH3, और दूसरा जो बन के आएगा उनमें क्या करते हैं, टर्शियरी से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगाते हैं। रूल के हिसाब से चलें तो रूल के हिसाब से टर्शियरी जो बन के आना चाहिए था वो हमें मेजर बनना चाहिए था, क्योंकि टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हमारे लिए मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो टर्शियरी है इसके परसेंटेज जो होते हैं प्राइमरी वाले से कम आते हैं। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमें इन हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी देखनी होती है। तो फॉर क्लोरीनेशन अगर हम बात करें, फॉर क्लोरीनेशन जो रिएक्टिविटी होती है, जितने समय में क्लोरीन एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाते हैं उतने समय में ही क्लोरीन सेकेंडरी हाइड्रोजन के 3.5 एटम को बाहर निकाल सकते हैं, 3.5 एटम, और टर्शियरी हाइड्रोजन जो होते हैं उतने समय में 5 बाहर निकल सकते हैं। ये इनकी रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोजन की टुवर्ड्स क्लोरीनेशन। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, लगे हाथों यही ब्रोमिनेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन के लिए जो ये रेट होता है, जितने समय में प्राइमरी हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं एक, उतने समय में 82 सेकेंडरी हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, और उतने ही समय में टर्शियरी जो बाहर निकलते हैं वो हमारे लिए कितने निकलते हैं, 1600 बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन होती है ये लेस सेलेक्टिव होती है, लेकिन हाई प्रोबेबल है। यहाँ प्रोबेबल फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। इनकी रिएक्टिविटी की अगर देखें तो 82 हाइड्रोजन्स एक साथ निकल सकते हैं, और जितने समय में एक प्राइमरी हाइड्रोजन निकलेंगे।